हेलो बच्चों जय मैं दो हज़ार चौबीस का क्वेश्चन है ट्वेंटी नाइन जैन शिफ्ट वन का इन अ टेस्ट एक्सपेरिमेंट ऑन अ मॉडल एरोप्लेन इन विंड टनल द फ्लो स्पीड्स ऑन द अपर एंड लोअर सर्फिस ऑफ द विंग्स आर सेवेंटी मीटर पर सेकेंड एंड सिक्सटी फाइव मीटर पर सेकेंड रिस्पेक्टिवली इफ द विंग एरिया इज टू मीटर स्क्वायर द लिफ्ट ऑफ द विंग्स इज है ना मतलब यहाँ पे फोर्स पूछा गया न्यूटन दिया गया तो देखिए बच्चों यहाँ पर मतलब ये बोला कितने फोर्स से लिफ्ट होगा विंग्स है ना या फिर विंग्स पर कितना फोर्स लगेगा ये आपसे पूछा गया तो बच्चों यहाँ पर जो लग, है ना यहाँ पर लगेगा आपको बर्नौलिस थ्योरम ओके तो बर्नौलिस थ्योरम के अकॉर्डिंग आपको मालूम होना चाहिए कि प्रेशर प्लस हाफ रो जी आ, हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है ठीक है तो अब यहाँ पर क्या होगा कि देखिए हाइट का जो विंग्स के बीच में है ना विंग्स के विंग्स का जो थिकनेस होता है बच्चों वो बहुत ज़्यादा नहीं होता है सा होता है, है ना तो अगर आप विंग्स के अपर साइड में एंड लोअर साइड में आप ऐसे लिखिए P1 वन अपर साइड को और डेंसिटी रो v स्क्वायर है ना अपर साइड के लिए डेंसिटी एयर का तो सब सेम रहेगा अब यहाँ जो ये H लिखेंगे ना ये एच आप एच वन लिख दीजिए अपर साइड के लिए बट लोअर साइड के लिए ग्राउंड रिस्पेक्ट में एच टू लिखिए बट ये जो एच वन माइनस एच टू का जो डिफरेंस आएगा ना वो बहुत नेग्लिजिबल होगा दैट मीन्स कि जीरो होगा मतलब हम ये बोल सकते हैं कि एच वन टू एच टू हो जाएगा क्योंकि थिकनेस बहुत कम होता है, है ना तो इसलिए इसको हम जीरो कर देंगे इसको कैंसिल कर देंगे सीधे ओके सो अब जब इसको कैंसिल कर देंगे हम लोग तो देखिए क्या होगा P1 वन माइनस पी टू इज़ इक्वल टू है ना या फिर P2 टू माइनस पी कर देते हैं क्योंकि ऊपर में जो प्रेशर होगा वो ज़्यादा होगा तो अपर में तो सॉरी लोअर में तो P1 वन पी टू माइनस पी कर देंगे क्योंकि लोअर में प्रेशर ज़्यादा होगा तो P2 टू माइनस पी वन इज इक्वल टू हाफ इंटू रो विंग्स के अपर साइड में प्रेशर कम होता है बच्चों है ना हाफ इंटू रो इंटू वी टू स्क्वायर तो आप देखिए हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्योंकि फोर्स इंटू एरिया प्रेशर इक्वल टू क्या होता है प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया तो फोर्स अपॉन एरिया इज इक्वल टू डेंसिटी कितना दिया हुआ है इसका वन पॉइंट टू एयर का डेंसिटी अपर साइड का जो वेलोसिटी है वो कितना है सेवेंटी है तो इसका स्क्वायरिंग करेंगे लोअर में कितना है बच्चों सिक्सटी फाइव है इसका स्क्वायरिंग कर देंगे हम लोग ओके और फिर एरिया से आप इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए राइट हैंड साइड में तो हाफ इंटू वन पॉइंट टू इंटू सेवेंटी माइनस सिक्सटी फाइव स्क्वायर इंटू एरिया से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना है एरिया कितना टू है तो जैसे इधर एरिया आएगा तो एरिया की जगह पे टू लिख देंगे क्योंकि एरिया हम लोगों को टू दिया हुआ है बच्चों ओके okay? सो so, ये टू से टू कैंसिल तो जब इसको आप कंप्लीटली सॉल्व करेंगे है ना तो आपको आएगा ये 810 न्यूटन तो विंग्स पे जो फोर्स लगता है बच्चों वो होता है 810 न्यूटन ओके